नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास की कड़ी में आज हमारे पास परमार वंश की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने उत्तराखंड में परमार वंश का उदय और फिर कैसे 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया राजा अजयपाल के द्वारा, कत्यूरी के साम्राज्य का अंत हुआ और फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाया सहजपाल के द्वारा जो कि अकबर का समकालीन था, और फिर बलभद्र शाह जिनने शाह की उपाधि ली, मान शाह, श्याम शाह और अंत में श्याम शाह के चाचा महीपति शाह। ये शुरुआत हमने यहाँ से की थी। अब तक की जो क्लासेज हमारे पास 2 पहले ही हो चुके हैं, तो आज जो शुरू होना है ये होगा राजा श्याम शाह का वंशज या श्याम शाह के चाचा राजा महीपति शाह, यहाँ से शुरुआत होनी है आज हमारे पास। चूँकि मध्यकालीन इतिहास में परमार वंश और चंद वंश 2 टॉपिक बड़े हैं, इसलिए इनसे संबंधित यहाँ पर 5 या 6 क्लासेज आपके सामने आएंगे। तो चलिए चलते हैं मान शाह पर। लगभग 1631 से 1634 का टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत कम समय है, लेकिन गढ़वाल के राजाओं में एक बहुत बड़ा सा नाम राजा महीपति शाह का। क्रम के हिसाब से देखा जाए तो राजा महीपति शाह परमार या पमार वंश के 46वें राजा थे, और ये 1631 से नहीं बल्कि 1625 से राजा श्याम शाह के समय उनके प्रबंधक के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। क्योंकि श्याम शाह को शासन प्रशासन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, और प्रशासन में सबसे बड़ी भूमिका के रूप में महीपति शाह योगदान दे रहे थे। और इन्हीं के निर्देशन में श्रीनगर में सामाशाही बागान बने, इन्हीं के निर्देशन में केशवराय मठ बना, अर्थात प्रशासन में महीपति शाह की पहले से पकड़ थी। और फिर अलकनंदा नदी में नाव डूबने से जब श्याम शाह की आकस्मिक मौत हो गई तो सारी जिम्मेदारी महीपति शाह के पास आ गई। और हमने ये भी पढ़ा था कि श्याम शाह जब अलकनंदा नदी में नाव चलाते हुए डूब गया अचानक, तो उसके बाद उसकी 60 रानियाँ सती हो गई थी, जो सती प्रथा का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। और उसके बाद उसका एकमात्र अल्पवयस्क पुत्र का भी जिक्र है कहीं पर कि वो भी शासन पर बैठने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में संपूर्ण जिम्मेदारी राजा महीपति शाह की। लेकिन और महीपति शाह जी जो क्वेश्चन है कि वो बहुत ज़्यादा अधिक उम्र में गद्दी पर बैठे थे, लगभग 48 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठे हैं, तो इसीलिए उन्हें परमार वंश का सबसे बुजुर्ग राजा या उम्रदराज राजा, ये प्रश्न भी यहाँ पर बनता है महीपति शाह के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला 46वां राजा, दूसरा महीपति शाह को गढ़वाल का अखड़ राजा कहते हैं, मतलब जो किसी की नहीं सुनता था। नहीं सुनने का कारण था, एक तो था उसे अनुभव पहले से ही था, और दूसरा चूंकि मुगल पीरियड चल रहा था पूरे भारत में और मुगलों की नहीं सुना करता था, मुगलों की चापलूसी नहीं करता था, इस वजह से। तो कुल मिला के 2 प्रश्न अभी हमारे पास हैं। गढ़वाल का अखड़ राजा किसे कहा जाता है? तो महीपति शाह को। और थोड़ा सा स्वाभिमानी पराक्रमी सेनापति भी ठीक ठाक थे, स्वाभिमानी और पराक्रमी राजा महीपति शाह शाहजहाँ के राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हुए थे। शाहजहाँ का राज्याभिषेक 1628 के आसपास जब हुआ था तो उसमें न तो उपस्थित हुए, और कहते हैं कि उसके बाद न ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई संदेश भेजा राजा के लिए, और जीवन पर्यंत उन्होंने कभी मुगलों की कोई अधीनता स्वीकार करने का भी कोई किसी प्रकार से विचार नहीं किया, इसीलिए अखड़ राजा कहा जाता है। सम्मिलित नहीं, वो तो राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हुए, और जीवन पर्यंत बादशाह उसे अधीन न कर सका, मुगल बादशाह। इसी कारण मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे अखड़ राजा कहा। तो अखड़ राजा का मतलब था कि ये लिखा किसने, ये मुगल इतिहासकार लिखते हैं अखड़ राजा, क्योंकि उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट, महीपति शाह गढ़वाल के सबसे उम्रदराज राजा थे। मैंने कहा था कि गढ़वाल में सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाले राजा थे, इसीलिए प्रश्न बना है। जबकि चंदों में हम पढ़ते हैं कि राजा भीष्मचंद जब अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, यानी चंद वंश के सबसे उम्रदराज राजा भीष्मचंद ने। चंद वंश से संबंधित जो इतिहास है इसके बाद हम शुरू करेंगे फिर से, यानी चंद वंश का संपूर्ण इतिहास और प्रशासन परमार वंश के बाद शुरू होगा, वो भी आपके सामने एक के बाद एक क्लास रखा जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि महीपति शाह मुगल बादशाह शाहजहाँ के समकालीन थे, ठीक है, कोई शक नहीं है, टाइम पीरियड के हिसाब से मैच कर रहा है। शाहजहाँ का टाइम पीरियड था 1628 से लेकर 58 तक का, तो टाइम पीरियड मैच कर रहा है।
1631 में महीपति शाह बालक दुलाराम के संरक्षक के रूप में शासन करने लगे, मतलब जो श्याम शाह का पुत्र था, लेकिन दुलाराम की बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई। तो इसलिए श्याम शाह के चाचा यानी महीपति शाह 48 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया गया, और ज्येष्ठ होने के कारण महीपति शाह को 1625 ईस्वी से ही शासन प्रबंधन बड़ी भूमिका निभा रहे थे पहले से, इस वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गढ़वाल के इतिहास में महीपति शाह शक्तिशाली राजा माने जाते हैं, योग्य सेनापति माने जाते हैं, अनुभवी राजा माने जाते हैं, और इसीलिए महीपति शाह के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, और कहते हैं कि महीपति शाह खुद तो स्वाभिमानी थे, वीर सेनापति थे, अनुभवी थे, लेकिन उनके सेनापति भी उनसे ज़्यादा यानी उनके पास भी अच्छा खासा अनुभव था, उसी में वीर भड़ माधव सिंह भंडारी, लोधी रिखोला, वनवाड़ी दास जो उनके वीर सेनापति की लिस्ट है। अच्छा, प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो महीपति शाह शक्तिशाली राजा थे, जिससे मौलाराम द्वारा गर्वभंजन महाप्रचंड भुजदंड कहा गया है। वैसे जनरली क्वेश्चन बनता है कि गर्वभंजन की उपाधि किसने ली थी, तो महीपति शाह का नाम सबसे पहले होना चाहिए, हालांकि ये उपाधि यहाँ पर मौलाराम द्वारा दी गई, महाप्रचंड भुजदंड यानी उनके भुजाओं में बल था, ताकत थी। अच्छा, इसके परिणाम जो उन्होंने किया अपने टाइम पीरियड में वो देखते हैं। अब नीति घाटी यानी चमोली के उत्तरी क्षेत्र में स्थित दापा, चूंकि दापा राज्य एक बहुत बड़ी चुनौती था, मैंने कहा था कि दापा मतलब तिब्बत होता है, और दापा का पहला अभियान मानसा के समय हुआ है, और मानसा ने तिब्बत यानी काकवामोर जो राजा था तिब्बत का उसको हराया था और उसको कर देने पर बाध्य कर दिया था। उसके बाद श्याम शाह का टाइम पीरियड आया, श्याम शाह ने भी दापा को हराया, लेकिन दूसरी बार में श्याम शाह की हार हो गई थी, वही दापा राज्य फिर से अपने साम्राज्य विस्तार के तहत गढ़वाल की सीमाओं पर आने लगा था। अच्छा, नीति घाटी के उत्तरी क्षेत्र में से दापा की गढ़पतियों के छापे गढ़वाल पर हो रही थी, फिर से दापा राज्य ने अपना साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया होगा, तो ऐसे में महीपति शाह ने अपने वीर सेनापति लोधी रिखोला को दापा अभियान पर भेजा, तो लोधी रिखोला ने एक विशाल सेना लेकर दापा पर आक्रमण कर दिया और दापा का गढ़पति युद्ध में मारा गया, यानी दापा जो राज्य था उसकी बुरी तरह हार हो गई, और जो लोधी रिखोला थे वीर सेनापति उन्होंने दापा पर अधिकार कर लिया, मतलब उसके अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और वहाँ जो दापा में स्थित एक बौद्ध विहार था कहा जाता है उस पर अधिकार कर लिया, और जितने भी उजित प्रदेश थे अपने जीते हुए प्रदेश उनको अपने सेनापति भीमसेन यानी भीम सिंह और बर्तवाल और गढ़वाली सेना का सेनानायक चुना गया जिनको, और उनके भाई राजवीर सिंह बर्तवाल इनको सौंप दिया गया। कुल मिला के जब लोधी रिखोला ने दापा पर अधिकार कर लिया, वहाँ के बौद्ध बिहार पर कब्जा कर लिया, तो अपने विजित प्रदेश को वो बर्तवाल बंधु को सौंप आए, तो मतलब था कि इसकी सारी जिम्मेदारी बर्तवाल बंधु की रही, और लोधी रिखोला वापस श्रीनगर आ गए और फिर तराई क्षेत्र में व्यस्त हो गए, और ऐसे में तिब्बत के लिहासा से तिब्बतियों को और सहायता मिल गई, यानी तिब्बती सेना मजबूत होने लगी और फिर संघर्ष छिड़ गया, और इसी युद्ध के दौरान बर्तवाल बंधु यानी भीमसेन और राजवीर सिंह तिब्बतियों से युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गए, इसीलिए उनकी तलवारें आज तिब्बत के यानी दापा के बौद्ध बिहार में बुद्ध मूर्ति के समक्ष विजय स्मारक के रूप में रखी गई हैं, सुरक्षित हैं। प्रश्न पूछा है कि किस श्रीनगर के किस राजा के सेनापतियों की तलवारें श्रीनगर सॉरी तिब्बत के बौद्ध विहार में बुद्ध मूर्ति के समक्ष सुरक्षित हैं, तो बर्तवाल बंधुओं की, भीमसेन बर्तवाल और राजवीर सिंह। तो तिब्बत अभियान खूब याद किया जाता है राजा महीपति शाह के समय, क्योंकि इसमें सफलता मिल गई थी, हालांकि फिर बर्तवाल बंधुओं की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में तिब्बत अभियान के लिए गर्वभंजक माधव सिंह भंडारी को भेजना पड़ा, उन्होंने अपनी सूझबूझ से तिब्बत अभियान या तिब्बत के साथ जो समस्या चली थी उसको सुलझा लिया था कुछ हद तक, हालांकि फाइनली फिर से तिब्बत को लेकर काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ा, और अंततः माधव सिंह भंडारी को भी तुमुल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना पड़ा, 1640 की बात है, ये सब भी इसमें देखने को मिलेगा अभी आपको। अच्छा, कुछ इसके बाद महीपति शाह ने के सेनानायक माधव सिंह भंडारी को तिब्बत अभियान के लिए भेजा गया था, और इन्होंने उस सीमा विवाद को सुलझा लिया, और जो तिब्बत अभियान से प्रश्न बने हुए उसमें ये था कि तिब्बत अभियान में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था और ठंडे के दिन थे, ऐसे में राजा अजयपाल ने अपने शासनकाल के समय, मैंने कहा था कि राजा अजयपाल ने सिरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, जो उच्च वर्गीय ब्राह्मण होते थे और वो राजा के दरबार में भोजन बनाने का कार्य करते थे और उच्च कार्य को किया करते थे, और उन्हीं को सभी धर्म जाति के लोग संप्रदाय के लोग फॉलो करते थे।
अब सिरोला ब्राह्मण अगर तिब्बत के ठंडे प्रदेश में भोजन बनाएगा वो भी पूरी रीति रिवाज के साथ, तो ये नामुमकिन था। इसीलिए महीपति शाह ने ये अनुमति दे दी कि वहाँ पर बिना वस्त्र उतारे ही भोजन बनाने और खाने की आज्ञा दे दी जाए, अन्यथा यह कार्य केवल सिरोला ब्राह्मण को ही करना होता था, वो भी धोती पहनकर किया जाता था। और इसे गढ़वाल के इतिहास में रोटी शुचि व्यवस्था कहा जाता है, यानी प्रश्न पूछा है कि रोटी शुचि, शुचि का मतलब था शुद्धि, तो रोटी शुचि व्यवस्था किस परमार राजा ने चलाई थी, तो राजा महीपति शाह ने तिब्बत अभियान के समय। मतलब था कि अब केवल सिरोला ब्राह्मण का या सिरोला जाति का ब्राह्मण ही खाना नहीं बनाएगा, बल्कि किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति खाना बना सकता है, और उसके लिए बहुत कठोर अनुशासन करना जरूरी नहीं है, बल्कि ठंडे प्रदेश में इससे निजात मिल गई। इसे कहते हैं रोटी शुद्धि यानी रोटी शुचि व्यवस्था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। महीपति शाह चूंकि थोड़ा सा स्वाभिमानी थे, इसका एक उदाहरण कि महीपति शाह के समय जब नागा साधु का वध करवा दिया गया, हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान जब बहुत सारे नागा साधु उपस्थित थे, तो राजा ने आदेश दिया कि नागा साधु अपनी जो परंपरागत वेशभूषा है उसमें कुंभ मेले में प्रवेश नहीं कर सकते, जो कि नागा साधुओं के धर्म के या उनके संप्रदाय के खिलाफ था। ऐसे में हथियारबंद और वस्त्रविहीन नागा साधुओं का वध करवा दिया गया और भारी संख्या में निर्दोष साधु मारे गए। तो पूछा है कि हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं का वध किस परमार शासक ने करवाया था, तो राजा महीपति शाह। हालांकि इसका प्रायश्चित भी किया गया बाद में। इसी को लेकर राजा काफ़ी परेशान होने लगे और इसी को लेकर फिर कुमाऊं के राजा से संघर्ष भी किया गया, ताकि वो अपने राज्य के अस्तित्व के लिए या राज्य के संघर्ष के लिए अपने राज्य के लिए शहीद हो जाना चाहते हैं, और ताकि उन्हें ये लगे कि वो अपने राज्य के लिए शहीद हुए और अपने पापों का उन्होंने प्रायश्चित किया। इसी को लेकर कई कहानियाँ गढ़ी गई हमारे वहाँ पुराणों में भी। तो खैर 1635 बहुत कम कार्यकाल था इनका। वहीं पर काकवा मोड़, जहाँ पर तिब्बती लुटेरे युद्ध करते करते इस क्षेत्र तक आते थे, वो कोसी नदी का क्षेत्र था। इसे अल्मोड़ा का युद्ध, कोसी का युद्ध या काकवा मोड़ का युद्ध भी कहते हैं। 1635 की बात है जब राजा महीपति शाह और चंद राजा तिरमल चंद के मध्य एक संघर्ष हुआ था 1635 में, और इसी संघर्ष में कुमाऊं की सेना के साथ युद्ध करते हुए राजा महीपति शाह शहीद हो गए, मतलब तिरमल चंद की सेना के साथ। और इसे कोसी का युद्ध, काकवा मोड़ का युद्ध और अल्मोड़ा का युद्ध भी लिखा है इसलिए। और यहाँ पर गणराज्य की पूरी सीमा यानी कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर एक क्षेत्र था कोसी, कोसी नदी के आसपास का क्षेत्र। और मौलाराम इसके बारे में लिखते हैं कि ये युद्ध अपने आप में एक सोझी समझी रणनीति के तहत किया गया था, जिसमें महीपति शाह की इच्छा थी कि वो अपने राज्य के लिए शहीद हो जाना चाहता है, ताकि अपने किए गए प्रायश्चित, अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सके। और इसी में तिरमल चंद, जो कि श्याम शाह के समय यानी परमार राजा श्याम शाह के समय अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाने में जिसकी मदद की थी गढ़वाल के राजाओं द्वारा, उसने इस युद्ध में भाग लिया था। और इस युद्ध में महीपति शाह का एक वीर सेनापति बनवाड़ी दास तुंवर, वो भी शहीद हो गए थे, जो कि चित्रकार श्यामदास और हरदास के परिवार से संबंधित थे, मतलब इनके पूर्वज हुआ करते थे। तो ये था तापा अभियान, और फिर दूसरा कोसी का युद्ध अल्मोड़ा के साथ यानी तिरमल चंद के समय, और इसमें राजा का शहीद होना 1635 में। जैसे ही राजा शहीद हुए तो लोदी रिखुला, जो कि उनके वीर सेनापति हैं, वो तिब्बत अभियान की सफलता के बाद दक्षिणी सीमाओं की रक्षा करने में लगे हुए थे, और फिर शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माधव सिंह भंडारी को दे दी गई। और माधव सिंह भंडारी के पिता सिनगर राजदरबार में पहले से नौकरी करते थे, और उन लोगों को अपनी योग्यता के बल पर एक जागीर मिली हुई थी, और इसलिए अपनी योग्यता के बल पर माधव सिंह भंडारी भी ऊंचे पदों पर यानी सेनाध्यक्ष बन गए थे, और आगे की सारी जिम्मेदारियां सब माधव सिंह भंडारी द्वारा देखी जाएंगी। तो खैर इसके अलावा लोदी, जो कि लोदी रिखोला की बात चल रही है कि उत्तर पश्चिम सीमा पर सिरमौर के प्रमुख गढ़ों पर अधिकार कर लिया था उसने, और यहाँ पर बहुत सारे गढ़ों को अपना बना लिया था उसने, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और सिरमौर यानी हिमाचल के लिए शब्द आ रहा है, सिरमौर नरेश कर्म प्रकाश यानी हिमाचल का जो क्षेत्र था, ने लोदी के विरुद्ध शाहजहाँ से मदद मांगी थी, फलतः गढ़वाल पर शाहजहाँ द्वारा एक सेना भेज दी गई। चूँकि ये वो मौका था जब राजा महीपति शाह की मृत्यु हो गई थी और महारानी कर्णावती यानी उनकी पत्नी अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में शासन संभालने वाली हैं, और शाहजहाँ के लिए सबसे उचित अवसर यही था कि जो घमंडी राजा महीपति शाह था, जिसने शाहजहाँ के राज्याभिषेक में भाग नहीं लिया था
और न ही किसी प्रकार का कोई सम्मान दिया था। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। और सिरमौर राजा करम प्रकाश के कहने पर अंततः देहरादून यानी दून घाट में एक सेना भेज दी गई, ये कहा जाता है। तो सबसे पहले उनका जन्म, जनरली जो उत्तराखंड के बड़े नाम हैं जैसे वीरभड़, गढ़वाल के इतिहास में हमने वीरभड़ कहते हैं, वीर शब्द आया, वीरभड़ माधव सिंह भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, तो टिहरी, टिहरी के लालुड़ी गांव में, ये ध्यान रखना आपने, मलेथा वाला क्षेत्र है, मलेथा का मसीहा कहते हैं इनको, और ये बात है 1595 की। और उनके पिता का नाम पूछता है तो सोणवाण कालो भंडारी, और ये पहले से वीर योद्धा थे, बुद्धिमत्ता से अपने गढ़वाल के राज्य में इन्होंने नौकरी पा ली थी, और अपने पिता के बदले यानी अपने पिता के स्थान पर इनको भी बाद में सेनाध्यक्ष बना दिया गया था, क्योंकि ये भी बचपन से योग्य थे। अच्छा, सेनाध्यक्ष के पद पर पहुंच गए थे अपनी योग्यता के बल पर, ये प्रश्न। माधव सिंह भंडारी सेनापति और अमात्य दोनों थे, और रानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह के समय गढ़वाली सेना नायक थे, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद महारानी कर्णावती जब संरक्षिका बन गई तो सारी जिम्मेदारी इनके पास थी। अच्छा, इनके अलावा एक तो राज दरबार में जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई वो ठीक है, उसके अलावा उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो काम किए उसके लिए उन्होंने मलेथा यानी अपने गांव में एक पूरी पहाड़ी को काटकर मलेथा को हरा भरा किया था, वहां पर पानी की समस्या को दूर किया था, इन्हें उन्हें मलेथा का मसीहा, फादर ऑफ मलेथा कहा जाता है। ये कहानी यहाँ पर लिखी है, कौन सी नदी, क्या पहाड़ी, ये सब माधव सिंह भंडारी ने लोक हितार्थ, लोगों के हित के लिए छेड़ाधार पहाड़ी के अंदर सुरंग काटकर चकमा या डागर नदी से मलेथा की गूल का निर्माण किया था, और गूल की सफलता हेतु अपने पुत्र की बलि दे दी। ये कहावतें हैं कि पुत्र की बलि का मतलब था कि भूस्खलन के दौरान जब बरसात के दिनों में उनके पुत्र और वो स्वयं नहर का निर्माण कर रहे थे, उसकी सफाई कर रहे थे, उसी दौरान एक भूस्खलन के दौरान उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, इसलिए पुत्र की बलि देने का मतलब ये था। इस महान योगदान के लिए माधव सिंह भंडारी को मलेथा का मसीहा कहा जाता है, और उन्हें 17वीं शताब्दी का इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी गूल का निर्माण करना एक चुनौती भरा काम था। अच्छा, और उनके योगदान के लिए जो उनसे संबंधित प्रश्न है, महारानी कर्णावती के समय जब वो सेनाध्यक्ष थे लगभग 1640 में, चमोली के हाट ग्राम में एक हटवाल ब्राह्मण को भूमिदान दिया गया था, जिसमें माधव सिंह भंडारी को शाजी बनाया गया था, मतलब उनके महत्ता को देखते हुए, चूंकि वो थल सेना अध्यक्ष भी थे। इससे प्रमाणित होता है कि माधव सिंह की मृत्यु 1640 के आसपास, मतलब 1640 तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, और उनकी मृत्यु के संदर्भ में जैसे टिहरी के रघुनाथ मंदिर यानी देवप्रयाग के द्वार रजत पत्र अभिलेख में उनके द्वितीय पुत्र गजे सिंह और पत्नी मौथा मथुरा बौराणी और पौत्र अमर सिंह का भी उल्लेख मिलता है। ये चूंकि इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माधव सिंह भंडारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि रघुनाथ मंदिर के द्वार रजत पत्र पर माधव सिंह भंडारी के किस पुत्र का जिक्र है, तो द्वितीय पुत्र गजे सिंह का और उसकी पत्नी मौथरा बौराणी और पौत्र अमर सिंह का उल्लेख। अमर सिंह ने भी बाद में समाज सेवा से संबंधित बहुत सारे काम किए हमारे गढ़वाल में। अच्छा, कैसी मृत्यु हुई वीरभड़ माधव सिंह भंडारी जी की? तुमुल के युद्ध में 1640 में, तुमुल छोटा चीन या तिब्बत जिक्र हुआ है जिसके लिए, वहाँ पर अदम्य साहस और वीरता का साहस दिखाते हुए माधव सिंह भंडारी शहीद हो गए थे कहा जाता है। लेकिन उससे पहले उनके शरीर को, उनके कहने के अनुसार उनके मृत शरीर को आग में भूनकर पालथी वाली मुद्रा में, पालकी में बैठा दिया गया था, और ताकि विपक्षियों पर खौफ बना रहे उनका, और युद्ध को बहुत लंबे समय तक रोका गया था। ये उनके बारे में कहा जाता है कि अपनी वीरता के किस्सों से वो गढ़वाल के इतिहास में अमर हो गए। तो एक तो छोटा चीन यानी तुमुल के युद्ध के दौरान जो उन्होंने अदम्य साहस दिखाया, यानी उनकी मृत्यु के बाद भी उनके मरे हुए शरीर को पालथी में बैठाकर विपक्षियों को बहुत लंबे समय तक रोके रखा गया। एक दूसरा, उन्होंने छेड़ाधार पहाड़ी को काटकर अपने गांव मलेथा में मलेथा को हरा भरा किया था, इसलिए मलेथा का मसीहा और 17वीं शताब्दी का इंजीनियर। चलिए, महीपति शाह के बाद जिसका जिक्र होगा वो महारानी कर्णावती हैं। गढ़वाल के इतिहास में अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमत्ता, योग्यता के बल पर उन्हें, महारानी कर्णावती को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हैं। उन्हें गढ़वाल की दुर्गावती, जो काम अकबर के समय दक्षिण भारत की रानी दुर्गावती ने किया था, और ताराबाई, जो काम मराठा साम्राज्य में ताराबाई ने किया था वही काम उन्होंने भी किया था। तो गढ़वाल की दुर्गावती और गढ़वाल की ताराबाई किसे कहा जाता है? तो महारानी कर्णावती को। महारानी कर्णावती का जो टाइम पीरियड होगा 1634 से और 40 तक का, क्योंकि 1635 से 40 और कहीं 34 से 40 भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि 35 में राजा
महीपति शाह शहीद हो गए थे तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके पास थी, और 40 के बाद उनका पुत्र यानी पृथ्वीपति शाह बड़े हो जाएंगे तो 64 तक उनका साम्राज्य रहेगा। पृथ्वीपति शाह जो कि एक बालक हैं अभी गद्दी पर बैठते समय मात्र 7 वर्ष के हैं, अतः 1635 से 40 के मध्य कर्णावती ने बागडोर संभाल ली, और महीपति शाह की मृत्यु के बाद कर्णावती संरक्षिका के रूप में, तो महारानी कर्णावती अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका है, ध्यान रखिएगा। और जब पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठे तो मात्र 7 वर्ष के हैं, ये बात 1635 की है, यानी 1635 से लेकर 40 तक वो संरक्षिका की रही है। और अपने संरक्षण काल में जो उन्होंने काम किए हैं वो सबसे बड़ा काम उसमें शाहजहां की मुगल सेना को पराजित करने का काम किया उन्होंने। कहते हैं कि 1636-37 में यानी शाहजहां ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में गढ़वाल के राजाओं को या रानी को सबक सिखाने के लिए एक सेना भेज दी थी, और ऐसे में दून घाटी में हुए संघर्ष के दौरान जब महारानी ने अपनी सूझबूझ से मुगल सेना की नाक कटवा दी, या फिर अपनी सूझबूझ से बहुत सारे मुगल सैनिकों को अपनी ओर मिला दिया और इसके बदले मुगल सेना की हार हो गई, और एक पूरे भारत की जो सेना थी मुगल सेना एक रानी के समक्ष हार गई, तो इसे गढ़वाल के इतिहास में या इतिहास में मुगल साम्राज्य की बदनामी हुई, इसलिए कहा जाता है कि महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी। तो नाक कटने का मतलब था कि मुगल सैनिकों की इज्जत चली गई, उनकी हार हो गई। तो महारानी कर्णावती को गढ़वाल की नाक कटी रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि शाहजहां के जो सेना थी जो कि सिरमौर के राजा या सिरमौर राज्य के निर्देशन में यहाँ पर आई थी, और उसको पराजय का सामना करना पड़ा था, और जो उस सेना का सेनापति था यहाँ पर नवाजत खां, उसकी हार हो गई थी। तो महारानी कर्णावती को मुगल सेना को पराजित करने का श्रेय है, और जो नवाजत खां था उसमें कांगड़ा यानी हिमाचल का फौजदार था, इसी के निर्देशन में सब ये हुआ। और इसलिए महारानी कर्णावती ने इस आक्रमण को न केवल विफल किया बल्कि कुछ सेनापति दोस्त वेग को की सहायता से मुगलों के नाक कटवा दिए, अर्थात मुगल सेना को पराजित कर दिया। ये वैसे तो उत्तराखंड के इतिहास में इस कहानी को कई बार किसी अलग अलग तरीके से लिखा गया, लेकिन उस समय के जो मुगल दरबार में रहने वाले विद्वान लोग हैं उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। निकोलो मनुची जो कि इटली का था, इटालियन भाषा में ट्रेवर्नियर जो कि यूरोप के थे, और महासिर उमरा ने भी इस युद्ध का वर्णन किया है। मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ द मोगोर जो कि इटली का था इटालियन भाषा में कहा है कि इस हार के कारण नवाजत खां को अपने मनसब यानी मनसबदारी का पद जो मुगल दरबार में उसे मिला था और जागीर से हाथ धोना पड़ा था, मतलब वो उससे छीन ले गए थे। क्यों? क्योंकि वो महारानी कर्णावती से उसकी हार हुई है, गढ़वाल में एक छोटी सी राज्य से उसकी हार हुई है। तो महारानी कर्णावती के कार्य में एक महत्वपूर्ण कार्य यानी मुगल सेना की पराजय, और शाहजहां ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष सेना भेजी थी तो 9वें वर्ष। रानी कर्णावती ने देहरादून में, अब बाद में जब दून घाटी पर बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई तो वहीं पर उन्हें अपना महल कर्णावती का महल देहरादून में बनाया। महारानी कर्णावती का क्षेत्र करणपुर आज भी देहरादून फेमस है, तो कर्णावती का महल कहाँ है तो नवादा देहरादून में है, और यहीं पर उन्होंने नवादा के समीप महारानी कर्णावती ने करणपुर शहर बसाया था जो आज भी वहाँ पर है रानी की याद में। अच्छा, एटकिंसन जो कि इस बारे में लिखते हैं वो ये कहते हैं कि महारानी कर्णावती को मदद करने में बहुत बड़ी भूमिका विंसर देवता की भी रही थी, और जब युद्ध चल रहा था उसी में विंसर देवता ने भयंकर ओलावृष्टि कर दी थी और यहाँ पर जो मुगल सैनिक थे उनको भागने पर मजबूर कर दिया था, और बाद में महारानी ने धन्यवाद स्वरूप वहीं विंसर मंदिर में जाकर विंसर के मंदिर में एक नए शिखर का निर्माण करवाया, इसीलिए करवाया क्योंकि विंसर देवता की कृपा से रानी जीती थी। अच्छा, तो दूसरी बड़ी बात कि नवादा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, करणपुर नामक नगर बसाया, मुगलों की सेना को पराजित कर दिया, और माधव सिंह भंडारी के साथ तुमुल का युद्ध यानी तिब्बती को पराजित किया। और जब उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह थोड़ा बड़े हो गए तो 1640 में पृथ्वीपति शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया, और इसके बाद का टाइम पीरियड होगा पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह निर्माता और कलानुरागी हैं, पहला प्रश्न ये था, और उनके समय की जो घटनाएँ हैं 1640 से 64 के बीच, पृथ्वीपति शाह का अपने बड़े पुत्र मेदिनी शाह से विवाद हो जाना, और इसका कारण भी शाहजहां के दरबार में यानी शाहजहां के शासनकाल के अंतिम समय में जब मुगल दरबार में अराजकता का दौर शुरू हो गया, औरंगजेब ने अपने भाइयों को सभी को मार डाला, तो उस समय शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, वो
चंद राज्य की शरण में आ गया, यानी बाज बहादुर चंद की शरण में आ गया। लेकिन बाज बहादुर चंद ने शरण देने से जब इनकार कर दिया तो सुलेमान सिंह को गढ़वाल राज्य यानी पृथ्वीपति शाह की शरण में आ गया और पृथ्वीपति शाह ने उसे शरण दे दी। इसी को लेकर पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह नाराज हो गया था, चूँकि वो शरण देने के पक्ष में नहीं था, वो औरंगजेब को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन जो सुलेमान सिको थे उनके साथ दो और चित्रकार, मुगल चित्रकार कुंवर श्यामदास और हरदास, यानी दोनों पिता पुत्र भी गढ़वाल आए थे, उनको भी आश्रय दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा दून घाटी में पृथ्वीपुर नगर, वहाँ एक दुर्ग का निर्माण कराया पृथ्वीपति शाह ने, पृथ्वीपुर या पृथ्वीनगर, दून दून यानी देहरादून का एक और नाम भी है पृथ्वीनगर, तो वहाँ पर एक पृथ्वीनगर का किला बनाया था पृथ्वीपति शाह ने। और प्रशासन की सुविधा के लिए राजगढ़ी देहरादून को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और अपने पुत्र दिलीप शाह को वहाँ का शासक नियुक्त किया। देहरादून में राजगढ़ी को प्रशासन की सुविधा के लिए किस परमार नरेश ने अपनी राजधानी बनाया था, तो पृथ्वीपति शाह, और दिलीप शाह अपने पुत्र को वहाँ बैठाया था। पृथ्वीपति शाह के पुत्रों में एक प्रश्न ये भी है कि पृथ्वीपति शाह के 9 पुत्रों में से एक अजबू कुंवर भी था। प्रश्न पूछा है कि अजबू कुंवर किसका पुत्र था, तो पृथ्वीपति शाह का। पृथ्वीपति शाह के राज्याभिषेक के बाद काफ़ी समस्या आने के बाद के दौरान उनके पुत्र से संघर्ष छिड़ जाना इस साम्राज्य के पतन का कारण भी बनेगा। इसमें और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी 1640 में जब पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपना दूत इसके दरबार में भेजा था, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने मुगल दरबार के दूत का कोई सम्मान नहीं किया, न ही राजा द्वारा भेजी गई खिल्लत का कोई सम्मान हुआ। ऐसे में मुगल बादशाह पृथ्वीपति शाह से भी नाराज है, इसलिए उसने पृथ्वीपति शाह को सबक सिखाने के लिए खलील उल्ला खां के नेतृत्व में परमार राज्य में आक्रमण करवा दिया। और फिर खलील उल्ला की मदद के लिए मुगल बादशाह ने चंद राजा बाज बहादुर चंद को भी भेजा गया, और बाज बहादुर चंद ने दिशा निर्देशन का काम किया। इसके अलावा सिरमौर राजा यानी हिमाचल प्रदेश के राजाओं को भी आदेश दिए गए कि वो गढ़वाल राज्य के खिलाफ मुगल सेना की मदद करें। इसीलिए देहरादून यानी दून घाटी में बहुत लूटपाट मचाई गई सिरमौर और चंद सेना और उसके बाद मुगल सेना के द्वारा। और लेकिन बाद में चूँकि बरसात के सीजन के दौरान राज्य यानी मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा और वहाँ पर चतुर्भुज चौहान को बैठा दिया गया। ये छुटपुट जो क्वेश्चन बने हैं कि दून घाटी पर आक्रमण के दौरान क्या क्या सब करना पड़ा, तो ये सब पृथ्वीपति शाह के समय के हैं। अच्छा, पृथ्वीपति शाह के समय ही कासिम खां के नेतृत्व में पुनः मुगल सेना द्वारा परमार को पराजित किया, यानी दून घाटी पर फिर से आक्रमण हुआ, लेकिन कुमाऊं के चंदों को खतरे को देखते हुए परमार को मुगल सेना से संधि करनी पड़ी। बाद में परमार और मुगल के मध्य संधि होगी, क्योंकि चंद सेना के आक्रमणों का भय हो रहा था, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच संघर्ष चल रहा था। अच्छा, और कुछ प्रश्न जो इससे संबंधित हैं, शाहजहाँ के उत्तराधिकार का संघर्ष, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जब उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था तो पृथ्वीपति शाह और मेदिनी शाह यानी दोनों पिता पुत्र में संघर्ष हो गया था। औरंगजेब के समय भागे हुए दारा सुको के पुत्र सुलेमान सिको को शरण देने को लेकर ये संघर्ष हुआ था। चूँकि सुलेमान सिको को जब शरण दे दी गई तो मेदिनी शाह ने सुलेमान सिको को बंदी बनाकर जय सिंह के पुत्र राम सिंह को सौंप दिया था, और इसके खिलाफ थे पृथ्वीपति शाह। तो जब दोनों पिता पुत्रों में संघर्ष हो गया तो पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को राज्य से बेदखल कर दिया, अपने उत्तराधिकार होने से बेदखल कर दिया। तो ऐसे में मेदिनी शाह मुगल दरबार चला गया। इसमें भी निकोलो मनुची जो कि इटालियन है, उन्होंने लिखा है कि श्रीनगर का जो वृद्ध राजा यानी पृथ्वीपति शाह अपने पुत्र के निज कर्म से अत्यधिक व्यथित हो गया कि उसने अपने पुत्र से जो कहा उसने उसके खिलाफ जाकर मुगलों की मदद की, और जो सुलेमान सिको था उसको औरंगजेब के सुपुर्द करने से दुखी था। राजा चाहता था कि उसको उसकी रक्षा की जाए, वो शरणागत है, लेकिन मेदिनी शाह ने उसे औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया। इसी को लेकर दोनों पिता पुत्रों में संघर्ष हो गया और मेदिनी शाह को राज दरबार से निष्कासित कर दिया गया। और ऐसे में फतेहपति शाह यानी जो मेदिनी शाह के पुत्र या फिर पृथ्वीपति शाह के पौत्र हैं उनको उत्तराधिकार घोषित कर दिया गया। इस कहानी को हम इसके शेष यानी अगले पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार पृथ्वीपति शाह और उसके पुत्र मेदिनी शाह में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, और मुगल दरबार में मेदिनी शाह का अत्यधिक हस्तक्षेप था, इसको लेकर संघर्ष हुआ, और फिर किस प्रकार पृथ्वीपति शाह ने अपने पौत्र फतेहपति शाह को अपना राज्य अभिषेक अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।